हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि मखाना आपको इतना ज़्यादा, इतने कैल्शियम होता है, आयरन होता है दोस्तों, इतना ज़्यादा फायदा करता है। मखाने में कोई टेस्ट तो होता नहीं दोस्तों, या तो इसको दूध में उबाल के खाएं। और जो इसको सबसे अच्छा मुझे लगता है दोस्तों, इसकी नमकीन बनाना, मतलब कुछ खास और नहीं डालती हूँ दोस्तों। सिर्फ मखाने को देसी घी में डाल करके, थोड़ा सा देसी घी, मतलब 1 से 1.5 चम्मच डाल दीजिए, ज़्यादा ना डालिए। और डाल करके मखाने को भून लीजिए दोस्तों, और इसमें डालिए काला नमक, ठीक है। अभी देखिए जैसे ये हो रही है ना, अभी ज़्यादा भुनी नहीं हुई, ये देखिए ऐसे हो रही है, ज़्यादा नहीं भुनी है। इसको एकदम कुरकुरा करना है, तभी ये अच्छी लगती है। जैसे ये देखो, एक आध दो हो गए हैं, तो इसको अच्छी तरह से एकदम कुरकुरा कुरकुरा दोस्तों भून लेना है। इसका क्या करना है कि आपको नाश्ता, जैसे शाम की चाय में मखाना और मूंगफली, ये दोनों चीज़ें दोस्तों अगर आप शामिल करते हैं दोस्तों, तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपका दिल मजबूत रहेगा। जैसे कि ये है मखाना बहुत ज़्यादा फायदा भी करता है। और जो डायबिटीज़, सबसे खास चीज़ है जो डायबिटीज़ के पेशेंट है दोस्तों, जिसके डायबिटीज़ नहीं है, वो तो शाम को नाश्ता कुछ भी कर लेते हैं, बिस्किट मीठा खा लिए, हलवा खा लिए, गाजर का हलवा खा लिए, वो मतलब उनके लिए सब कुछ है। लेकिन जो डायबिटीज़ के पेशेंट है दोस्तों, उनके लिए ये बहुत हेल्दी है, और जो है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके पास, कि सुबह 1 मुट्ठी और शाम को चाय के साथ 1 मुट्ठी वो खा लें। इससे सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि आपको ये हेल्दी तो रखता ही है, दूसरी बात क्या है कि ये बहुत एनर्जी देता है। मतलब शाम को 8-9 बजे 10 बजे खाना खाते खाते आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। तो आज मैं जो है अपने घर के लिए, मतलब मुझे बहुत पसंद है दोस्तों मखाना और मूँगफली। और मूँगफली के दोस्तों कितने फायदे हैं, उसमें आयरन है, कैल्शियम है दोस्तों, उसमें जिंक है, ठीक। और सबसे बड़ी बात है, अगर 1 मुट्ठी मूंगफली आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है डेली खाना, ये त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है और शरीर को हेल्दी बनाता है, ताकतवर बनाता है, इसमें प्रोटीन होता है। ये जो है बच्चे जो दौड़ रहे हैं और खेल कूद में रहते हैं, उनको भी ये नमकीन बहुत पसंद आती है, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, चाहे बच्चे हों, उनको ये सबको ये जो है नमकीन क्या है, मतलब मखाना भूंज लीजिए और मूँगफली भूंज लीजिए, और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा किशमिश डाल देती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी नमकीन बन जाती है शाम के लिए। और जो है आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा। मखाना मैं आपको भून के दिखाती हूँ कि मखाना कब तक भूनना है। इसकी जो है अभी ये ठीक से नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसको आपको और भूनना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये कुरकुरा कुरकुरा से होगा, तभी अच्छा लगेगा। ऐसे जो मखाने आते हैं ना दोस्तों, वो बहुत सीले सीले से होते हैं, तो उनको जो है आप नहीं बना सकते। आप देसी घी में ही इसको थोड़ा सा भून लीजिए दोस्तों, और काला नमक डाल दीजिए, और आपको अगर थोड़ा सा लाल मिर्ची पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो काली मिर्च हल्का सा डाल लीजिए। बढ़िया सा नाश्ता बनाइए और घर के डिब्बे में रख दीजिए, बरसात का मौसम है इस समय पे, नहीं तो सील जाएगा ये, ठीक है। आप इस तरह से बनाइए। अभी मैं दिखाती हूँ कि आपको मूँगफली किस तरह से भूनना है, और भून करके दोनों मिला करके रख लीजिए दोस्तों, बहुत हेल्दी नाश्ता। ये जो है जो बड़े बड़े सुपर स्टार होते हैं ना दोस्तों, ये उनके भी नाश्ता है, यही नाश्ता वो लोग करते हैं। देखिए जब कोई नहीं टीवी शो चलता है, इंडिया गॉट टैलेंट जो चलता है, तो देखिए जो है जब ब्रेक होता है तो मैं देखती हूँ मखाना और मूँगफली वो लोग खाते हैं नाश्ते में। तो ये तो भाई सबके लिए अच्छा है, कोई सुपरस्टार ही नहीं, और सब खा सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगी चीज़ भी नहीं है दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाऊँगी मूँगफली कितना डालना है और किस तरह से इसको बनाना है। दोस्तों देखिए मखाना भून चुका है, ये देखिए मखाना भून चुका है, अच्छी तरीके से भून गया है, और ये देखिए जो भून रहा है, ये कुरकुरा कुरकुरा भुना है, ये देखिए इस तरह से हो जाए तो समझ लीजिए मखाना हो गया, इस तरह से भून गए, ठीक है। अब ये तो हो गया है, अब मूँगफली भूननी है दोस्तों। ये है मूँगफली, ठीक है। मूँगफली में बहुत ज़्यादा फायदा है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, चाहे दौड़ वाले बच्चे हों, चाहे कुश्ती लड़ने वाले हों, चाहे जिम जाने वाले बच्चे हों, चाहे डायबिटीज, जो इसकी मिठास है दोस्तों ना, वो मिठास भी इसकी जो है बहुत ज़्यादा फायदा करती है। किसी के लिए भी, चाहे जितना बीमार इंसान हो, चाहे जितना कमज़ोर इंसान हो, उसको हेल्दी रखता है मूँगफली का दाना दोस्तों, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो वो 200 ग्राम मखाना था, और 250 जो है ये 300 ग्राम मैंने मूँगफली ली है, ठीक है। 250 ग्राम से ज़्यादा मूँगफली है ये, 1 किलो से थोड़ा सा कम है ये। तो इसको मैं भून लेती हूँ, उसको देसी घी में नहीं भूनूंगी दोस्तों, मैं इसको ऑयल में भूनूंगी। मूँगफली पड़ गई दोस्तों, अब इसको जो है भूनना है। तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, बहुत कम मत डालिएगा,
मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना दोस्तों, इसको हेल्दी बनाना है, अनहेल्दी नहीं बनाना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस तरह से भूनने से क्या है कि इसका जो है छिलका ऊपर का ये नहीं निकलेगा, ऐसे सूखा भूनेंगे तो छिलका निकल जाता है। थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ, भून लीजिए, मैं आपको भून के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मूँगफली भुनने वाली है, इसमें से आवाज़ आने लगी है, तो समझ लीजिए कि ये भुन चुकी है। बस थोड़ा सा 2 मिनट में इसको और भून लूँगी, इसमें से आवाज़ आने लगी है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा खर मत करिएगा, नहीं तो मूँगफली अगर ज़्यादा सा भी थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर उसका पूरा टेस्ट बर्बाद हो जाता है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मत करना, बस थोड़ा सा और करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मखाना और जो मूंगफली का जो बना रही हूँ शाम के लिए चाय के लिए, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो ये आलू भुजिया भी डाल सकते हैं, इसको डालने से भी काफ़ी स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन सबको मखाना और मूंगफली में आलू भुजिया नहीं अच्छी लगती दोस्तों, और आलू भुजिया मेरे यहाँ अगर अच्छी लगती है तो लइया के साथ, जो लइया आपके यहाँ लाई पर मर क्या बोला जाता है, मेरे यहाँ लाई बोली जाती है, तो उसके साथ ये आलू भुजिया अच्छी लगती है। लेकिन मुझे डालना होगा तो मैं उसमें थोड़ा सा डाल दूंगी। और ये है आलू भुजिया दोस्तों, ये घर में मैंने बनाया है, इसको कल बनाया था मैंने इसको, और ये आलू भुजिया इतना सरियाती दोस्तों, घर पे बनाइए, बहुत अच्छे तेल में आप बनाएंगे, देखेंगे कि आप क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं, और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया। देखिए ये देखिए कितनी बढ़िया बनी, कितनी सॉफ्ट बनी है। तो इस तरह से आप बनाएंगे ना, तो लइया मिला दीजिए, किशमिश मिला दीजिए, मखाना मिला दीजिए, ये सब मिला के बहुत नमकीन सहरिया जाती है, बहुत अच्छी नमकीन तैयार होती है। तो इस तरह से आलू भुजिया बना करके मखाना मूँगफली में अगर डालना चाहते हैं तो आप ये ऐड कर सकते हैं, और अपने जो मखाना मूँगफली वो बहुत ज़्यादा सहरिया आ जाएगी, कम से कम 1 से 2 महीने आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ उसमें क्या मिलाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मूंगफली भुन गई है और मैंने इसमें मखाने में डाल दिया है। अब आप इसको ऐसे करके मिला लीजिए, मिलाते मिलाते क्या करना है आपको ना, ये जीरावन पाउडर है दोस्तों, ये बहुत इससे बहुत चटपटा दोस्तों, इससे जीरावन पाउडर जो है इससे बहुत चटपटा स्वाद आता है दोस्तों। तो इसको मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी, थोड़ा सा तीखा भी है और बहुत अच्छा पाउडर है, इसको मैं थोड़ा सा डाल दूंगी, एकदम टेस्ट ही बदल जाएगा नमकीन का। तो इसको थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ, बस ये डाल दीजिए। और दोस्तों, मैं डालती हूँ इसमें किशमिश, इतनी किशमिश डाल दे रहे हैं, टेस्ट अच्छा आ जाएगा। बस इसको दोस्तों मिला के रख लीजिए, इसको मिला के रख लीजिए दोस्तों। और जो है बारिश का मौसम है, इसको बढ़िया से कोई पॉलीथीन में करके, या तो ऐसे कोई कंटेनर डिब्बा हो जिसमें अच्छी तरीके से इसका ढक्कन लगा दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो सील जाएंगे मखाना सील जाते हैं, मूँगफली तो इतना ज़्यादा नहीं सीलती, मखाना सील जाता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों आपके लिए शाम के और सुबह के लिए नाश्ता, एक मुट्ठी आपको बहुत ज़रूरी है, आप एक मुट्ठी आपको हेल्दी रखेगा ये। तो बस इसी तरह से बना लीजिए, देखिए कितना सिंपल, कितनी जल्दी बन गया, और कोई ताम नहीं, कोई झाम नहीं दोस्तों, बस ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। अगर इसमें आप डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और डाल सकते हैं, काजू ऐड कर दीजिए, बादाम ऐड कर दीजिए, ये सब कुछ आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल, एक सिंपल सी नमकीन है ये, और ये बना दीजिए। अगर आलू भुजिया डालना चाहते हैं तो आलू भुजिया डाल दीजिए इसमें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों।